हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल दोस्तों आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है आपको एक्सप्लेन करूंगा तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे ए स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग फाइव थाउजेंड एंड आफ्टर टू मंथ्स बी ज्वाइन बाई इन्वेस्टिंग सिक्स एट द एंड ऑफ द फोर मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस सी जॉइन दैम विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्वेल्व एट द एंड ऑफ द टेन मंथ फ्राम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस ए विद्रॉ थ्री थाउजेंड इफ ए शेयर इज़ इन द एनुअल प्रॉफिट वाज बारह सौ साठ वट इज़ द टोटल एनुअल प्रॉफिट तो यहाँ पर दोस्तों टोटल एनअल प्रॉफिट हमें निकालना है तीन लोग ए बी सी ए लगाता है अपना स्टार्टिंग में पैसा फिर वो क्या करता है दस महीनों के बाद निकाल लेता कितना निकाल लेता है तीन हजार निकाल लेता है तो बचता कितना उसका फिर दो हज़ार बच जाता है पाँच हजार में से और सेम बी का बी क्या करता दो महीने बाद लगाता <coughs> तो यहाँ पे इनका हमें रेशो निकालना बेसिकली आप देख सकते तो यहाँ पे मैंने इनका रेशो निकाल रखा है ए बी सी तो जो ए का है वो मैंने यहाँ पे पाँच हज़ार इंटू दस क्योंकि जो स्टार्टिंग है दस महीनों के लिए फिर प्लस किया दो हज़ार इंटू दो जो लास्ट के दो महीनों के लिए उसने तीन हज़ार निकाल लिया दो हज़ार बचा था उसका तो ये जो, जो दो हज़ार बचा था वो दो महीनों के लिए बचा था इसलिए इसको टू थाउजेंड इंटू टू कर दिया रेशो बी बी ने क्या किया दो महीनों के बाद लगाया तो उसका बचे कितने कितने महीने लगा रहा उसका पैसा दस महीने लगा रहा कितना लगा रहा छः हजार तो छः हज़ार इंटू दस टोटल एक साल की बात चल रही है यहाँ पे एनुअल प्रॉफिट की बात चल रही है तो यहाँ पे बारह महीने हैं टोटल तो इसने दस महीने इसने बी ने लगा के रखा ए ने लगा के रखा और सी ने क्या किया जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था उसके चार महीनों के बाद तो मतलब पाँचवें महीने से सी ने लगाया तो कितने महीने लगा रखा सी ने बारह में से चार माइनस किया आठ महीने तो आठ महीने यहाँ पे जो सी का था वो पैसा लगा रहा ठीक है दोस्तों ये क्लियर है अभी इनका हमें क्या रेशो निकालना सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं ये चौवन सौ चौवन हज़ार हो जाएगा साठ हज़ार हो जाएगा छियानवे हज़ार हो जाएगा सी का और इनको कट कटा के जब रेशो देखेंगे नाइन रेशो टेन रेशो सिक्सटीन आ जाएगा ठीक है जहाँ तक क्लियर है अभी ये क्या बोलेंगे जो ए का प्रॉफिट है वो है कितना बारह सौ साठ तो हम यहाँ पे मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट है एक्स लेट टोटल प्रॉफिट एक्स तो एक्स का नौ बटे पैंतीस हिस्सा किसको मिल रहा है एक को मिल रहा है जो कि कितना है बारह सौ साठ तो नौ क्या उसका रेशो है पैंतीस का टोटल नौ बटे पैंतीस हिस्सा एक्स का जो टोटल प्रॉफिट है वो किसको मिला एक को कितना मिला बारह सौ साठ तो नौ इंटू नौ पैंतीस एक्स इजिकल टू कितना बारह सौ साठ और एक्स हो जाएगा बारह सौ साठ इंटू पैंतीस ओवर नौ कट कटा के चार हज़ार नौ सौ इनका जो टोटल प्रॉफिट है एक साल का तीनों लोगों का वो आ जाता है यहाँ पे उम्मीद है दोस्तों समझा गया हुआ आपको क्वेश्चन वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एक चीज़ और दोस्तों अगर आपको ऐसा वीडियो है आप ऐसा क्वेश्चन आप चाहते हो उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करके भेज सकते हो मैं वीडियो बना के आपके साथ उस क्वेश्चन का जो लिंक है वो शेयर कर दूँगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद